नून लीग का हिफाजती मास्क स्मगल करने की तहकीकात का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं पूरी कौम की जिंदगी को 6 करोड़ में बेच दिया गया। हुकूमत आवाम की जान से खेल रही है, आटा चीनी गैस और बिजली चोरी करने का इल्जाम भी लगा दिया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा है कि इमरान माफिया का करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर हिफाजती मास्क स्मगलिंग करने की तहकीकात कराई जाए। इमरान साहब सेहत के वजीर हैं, जवाब दें। तारीख की पहली हुकूमत है जो अवाम की जान से खेल रही है और अवाम का आटा चीनी गैस और बिजली चोरी कर रही है। तर्जुमान मुस्लिम लीग ने कहा कि कौम की जान खतरे में है और इमरान माफिया करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर हिफाजती मास्क स्मगलिंग कर रही है। आटा चीनी चोरी और स्मगलिंग के बाद हिफाजती मास्क भी अब इमरान माफिया की हवी से जर की नजर हो गए। पूरी कौम की जिंदगी को 6 करोड़ में बेच दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि 2 करोड़ हिफाजती मास्क बैरूनी मुल्क स्मगलिंग करने से मुल्क में किल्लत पैदा हुई। इमरान चोर माफिया मास्क पर भी पैसा कमा रहा है, कोरोना से कौम को क्या बचाएगा। नैब नियाजी गठजोड़ को सिर्फ सियासी मुखालिफिन और मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान माफिया दोनों हाथों से अवाम को लूट रहा है।